को ऐसे फटक दिख रहा होगा, गेम एकदम स्मूथ चल रहा है मेरा, ठीक है, टेंशन की कोई बात नहीं है, एकदम स्मूथ चलेगा। बस मेरे जो आपको सेटिंग थी उसको आपको फॉलो कर लेना। हाँ शॉटगन से स्नाइपर, कैसे हो जीमो की एक और नई वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो गाइस टुडे का आज का जो टॉपिक है गेम लुक का जो नया वाला अपडेट आया है, ठीक है 2.7 वाला, उसका लैग फिक्स कैसे करें सही तरीके से, ठीक है गाइस। और देखो थोड़ा लेंदी होगा वीडियो, वीडियो को पूरा देखो गाइस, आपका डेफिनेटली लैग फिक्स हो जाएगा। और बाकी हाँ इस वीडियो में गाइस आप मेरे को 100 सब्सक्राइबर तक पहुँचा दो गाइस, ठीक है, अभी बस थोड़ा सब्सक्राइबर ही रह चुका है गाइस, ठीक है, तो थोड़ा सपोर्ट दिखाना, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो कमेंट ज़रूर करना। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, इधर पे स्टार्ट बटन पे जाना है, इधर पे आपको कंट्रोल पैनल लिखना है, ठीक है गाइस। कंट्रोल पैनल पे आपको चला जाना है, जाने के बाद चले जाना है पावर वाले ऑप्शन पे, इधर पे दोस्तों मस्ट आपको हाई परफॉर्मेंस करके रखना है, ठीक है। उसके बाद इधर पे दोस्तों आपको विंडोज प्लस आर प्रेस करना है कीबोर्ड पे, तो रन ओपन हो जाएगा। इधर पे दोस्तों आपको सर्च लिखना है MS config, ठीक है, MSConfig, उसके बाद ओके कर देना है। उसके बाद दोस्तों बूट पे चले जाना है, बूट पे जाने के बाद दोस्तों आपको चले जाना है एडवांस ऑप्शन पे, इधर पे दोस्तों आपको बाय डिफॉल्ट ऐसा शो होगा, नंबर ऑफ प्रोसेसर पर आपको क्लिक करना है और आपको दोस्तों मैक्सिमम जितना शो हो आपको उस पर क्लिक करना है। तो मेरे में 4 दिखा रहा है क्योंकि मेरा 4 कोर का सीपीयू है, अगर आपके पास 6 कोर का सीपीयू है तो आपको 6 8 कुछ भी दिखाएगा, ठीक है। तो आपको जो हाइस्ट नंबर उसको सिलेक्ट करके ओके करना है, अप्लाई करना है, ओके करना है। आपको डी स्टार्ट के लिए पूछेगा, आप डी स्टार्ट कर देना है, ठीक है गाइस। एक बार उसके बाद हम चलते हैं अपने सेकंड स्टेप पे, तो दोस्तों चले जाना है सेटिंग्स के अंदर, ठीक है, उधर पर चले जाना है सिस्टम के अंदर, ठीक है गाइस। इधर पे आपको नोटिफिकेशन एक्सेस दिखेगा, इसको दोस्तों आपको टर्न ऑफ करके रखना है, ठीक है गाइस, जितने भी आपको जो नोटिफिकेशन इसको ऑफ करके रखना है। उसके बाद फिर से सेटिंग्स पे चले जाना है गाइस, आपको चले जाना है वायरस एंड थ्रेट सिक्योरिटी पे, उसके बाद विंडोज सिक्योरिटी पे जाना है आपको दोस्तों, इधर पे वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन मिलेगा, ठीक है। आपको चले जाना है मैनेज सेटिंग्स पे, इधर पे दोस्तों जो चार्ट जो वायरस प्रोटेक्शन है इसको दोस्तों ऑफ करके रखना है जब आप गेमिंग करोगे तब, ठीक है, जब आप गेमिंग करोगे तब आप इसको ऑफ करके रखना है। उसके बाद आपको क्लोज कर देना है, ठीक है। उसके बाद गाइस आपको चले जाना है टास्क मैनेजर पे, जाने के बाद चले जाना है आपको स्टार्टअप पे, जाने के बाद तो सब आपको इधर पे जितने भी प्रोग्राम दिखेगा, ठीक है, सिवाय रियलटेक ऑडियो एच डी ड्राइवर, क्योंकि मेरा रियलटेक का यूज़ नहीं करता, मैं डायरेक्ट यूज़ भी से करता हूँ। तो आपको दोस्तों अगर सिर्फ आप माई मदरबोर्ड की पोर्ट से कनेक्ट लेते हो हेडफोन माइक का, इसको दोस्तों आपको इनेबल रखना है, बाकी सबको दोस्तों आपको डिसेबल करके रखना है, ठीक है। उसके बाद क्लोज कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप दोस्तों आपको चले जाना है गेम लुक के ऊपर, जाना जाए सेटिंग्स के अंदर, चला जाना है सेटिंग्स में, ठीक है। ऑटो जनरल पे दोस्तों अनचेक कराना तीनों को, ठीक है। कंट्री वगैरह अपने हिसाब से सेट कर लेना, अगर आपका कंट्री शो नहीं होता तो आप बस सिंपली यूएस कर देना इधर, ठीक है। चला जाना है इंजन के अंदर, इंजन में दोस्तों ऑटो मेरे को अभी तक जितना पता चला है लो एंड पीसी के लिए बेस्ट है गाइस, ठीक है। वो डायरेक्ट टेक्स भी स्मूथ है, लेकिन डायरेक्ट टेक्स पे आपका सीपीयू ज़्यादा यूज़ होगा। और ओपन जी एल गाइस जिनके पास 1080p के ऊपर का मॉनिटर और 6 कोर वाला सीपीयू है ना, सीपीयू ओपन जी एल गाइस जीपीयू पर चलता है लेकिन आपका सीपीयू भी चाहिए साथ साथ, ठीक है ना। तो इधर पाँचों का दोस्तों चेक रखना है, इन दोनों को अनचेक रखो, एंटीलेसिंग दोस्तों ऑटोमेटिक सॉरी ऑफ रखो, मेमोरी दोस्तों आपको रखना है ऑटोमेटिक, प्रोसेसर भी ऑटोमेटिक, रेजोल्यूशन दोस्तों आप मैं सबसे लो एंड वाला रिकमेंड करूँगा अगर आपके पास एक लो एंड पीसी है, ठीक है। और डीपाई दोस्तों आपकी मर्जी, या फिर आपके पास एक 1080p है तो आप 1080 का भी कर सकते हो, 1080 वाला जो वीडियो है उसका आई बटन पे आता रहेगा उसको देख लेना, ठीक है, कि जीपीयू पे कैसे लोड डाले, ठीक है। उसको चले चला मॉडल पे, मॉडल पे दोस्तों आपको आसूस रॉक 2 सिलेक्ट करना है, ठीक है, ऐसे कोई और कोई भी सिलेक्ट मत करो दोस्तों, आसूस रॉक 2 वन ऑफ द बेस्ट मॉडल फॉर दिस एंड्रॉयड एमुलेटर। देन आपको चले जाना है गेम के अंदर, उसके बाद दोस्तों HD 720p, अगर आपके पास एक अच्छा GPU है और आपका डीप डिस्प्ले जो 1080 का है, ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा, तो आपको चले जाना डिस्प्ले सेटिंग्स के अंदर, ठीक है। इधर पे दोस्तों आपको देखिएगा रिकमेंड होगा, ठीक है,
आपको अगर 1440p या फिर 1920x1080p शो होगा तो आपका 1080p डिस्प्ले, क्योंकि मेरा 768 रिक्वायरमेंट दिखा रहा है मेरा मतलब 720p वाला डिस्प्ले, ठीक है। तो इसलिए मैं HD 720p खेलता हूँ ताकि मेरे को FPS स्मूथनेस दोनों का मिक्सचर जो अच्छी तरीके से मिल सके। अगर मैं 1080 पे खेलूंगा तो मेरा GPU पे लोड आएगा, ठीक है, गेम लैग नहीं करेगा, स्मूथ आएगा FPS, लेकिन मैं फील नहीं कर पाऊंगा, मेरे को लैगी सा फील होगा। इसलिए गाइस मैं 720 पे खेलता हूँ। आप अगर आपके पास एक अच्छा GPU है और आप 1080p पैरामीटर है तब डेफिनेटली इधर पे सिलेक्ट कर सकते हो। ग्राफिक्स क्वालिटी तो सबको स्मूथ रखना है, HD भी कर सकते हो अगर आपके पास एक थोड़ा बैलेंस सिस्टम है, यानी कि 6 करोड़ वाला CPU है तो आप HD कर सकते हो। डिस्प्ले वही दोस्तों, आपकी रिफ्रेश रेट जितनी है अपनी डिस्प्ले की, तो आपको चले जाना है इधर पे, सॉरी आपको चले जाना है एक सेकंड इधर से हाँ ये देखो गाइस, इधर पे आपको जो कलर डेप्थ मेरे को 32 बिट 60 हर्ट्ज़ का, ठीक है, आपको इधर पे अगर 75 या फिर 90 हर्ट्ज़ दिखेगा, ठीक है। अगर आपके पास 75 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले है तो आप दोस्तों 60 पे खेलो तो आपको बेस्ट टू बेस्ट FPS मिलेगा। अगर आपके पास 100 हर्ट्ज़ का ऊपर का डिस्प्ले तो आप 90 कर सकते हो, ठीक है, उसमें कोई बात नहीं। उसके बाद उसको सेव कर देना है, एमुलेटर के ऊपर डिस्ट करते हैं, ठीक है। और जब आप गेम को ओपन करोगे, ठीक है, इधर से जब पबजी मोबाइल को ओपन करोगे तब इस ऐप मार्केट को इधर से क्लोज कर देना है और इधर से कर देना है क्विट, ठीक है गाइस। तो हम मिलते हैं गेम ओपन होने के बाद। और जब गाइस आपका गेम ऐसा ओपन हो जाएगा तो आपको थोड़ा बैक आना है, इधर पे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, उसके बाद थोड़ा नीचे खींचना है इसको, ठीक है, चले जाना है सेटिंग्स के अंदर, सबसे नीचे आपको चले जाना है अबाउट टैबलेट के अंदर, आपको चले जाना है बिल्ड नंबर के ऊपर, बिल्ड नंबर के ऊपर आपको 5-6 बार टैप करना है तो आपका डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। उसके बाद चले जाना है 3 लाइन पे, चले जाना है आपको डेवलपर ऑप्शन पे गाइस, इधर पे दोस्तों थोड़ा नीचे आना है। ये देखो दोस्तों, जो विंडो एनिमेशन सेल इसको दोस्तों आपको ऑफ करना है, ठीक है, ट्रांसलेशन एनिमेशन सेल इसको भी ऑफ करना है, एनिमेशन ड्यूरेशन सेल इसको भी ऑफ करना है, ठीक है, स्मॉल है तो वीडियो इसको दोस्तों 320 कर देना है, ठीक है, और 4GPU रेंडरिंग इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है, और 4x MS double इसको ऑन करना है और डिसेबल एज ग्लोबल इसको भी ऑन करना है, उसके बाद थोड़ा बैक आ जाना है, ठीक है। बैक आने के बाद आपको पबजी को ओपन करना है, ठीक है। और गाइस हाँ, जिन लोगों का लॉगिन करने में इशू हो रहा है उसका मैं कल से वीडियो बनाऊंगा, ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, लेकिन मैं आपको फिर से डिटेल में बना दूंगा, मेरे को 1-2 दिन टाइम दो, ठीक है ना गाइस, क्योंकि देखो थोड़ा टाइम तो लगता है बनाने में, ऐसा नहीं कि मैंने बना दिया, ठीक है, तो मेरे को थोड़ा टाइम दो, मैं बना के आपको दूंगा ज़रूर, ठीक है। हम आ चुके हैं अपनी गेम के अंदर, ठीक है, और मैं आपको अपना FPS ऑन करके दिखा देता हूँ इधर से एक सेकंड, ठीक है। मेरा अभी रिकॉर्डिंग चल रहा है, डिस्कॉर्ड भी चल रहा है बैकग्राउंड में, ठीक है ना गाइस, रिकॉर्डिंग भी चल रहा है, तो परफॉर्मेंस आप देख लेना। मेरे को 59 FPS मिल रहा है फिलहाल, तो आपको क्या करना है, सेटिंग्स के अंदर चले जाना है, ग्राफिक्स के अंदर आपको लॉबी में दोस्तों स्मूथ एक्सट्रीम रखना है, इधर पे कलरफुल रखना है, एंटेलिजेंट रखना है, क्लोज और टच ग्राफिक डिसेबल, और कॉम्बैट को दोस्तों स्मूथ एक्सट्रीम कलरफुल, ठीक है, और टच ग्राफिक डिस्प्ले। और दोस्तों डाउनलोड में आपको क्या करना है, कुछ करो और ना करो, HD लॉबी पर डाउनलोड करो और रिकमेंडेड कर जो परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट कंपोनेंट से इसको दोस्तों डाउनलोड कर लो 9 MB का, ठीक है। तो आशा करता हूँ गाइस इस वीडियो से आपको हेल्प होगा, अगर हेल्प हो चैनल को लाइक करना, और गाइस जल्दी से जल्दी मेरे को 100 सब्सक्राइबर तक पहुँचा दो, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, ठीक है। तो मिलते किसी और दिन और वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय।